in your mind as your highest goal and organize your life around it. With this thought, I, Priya, welcome to everyone in today's current affair class. Before starting, please do like, share and subscribe, and also hit the bell icon for latest update. करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से. हमारा क्वेश्चन था, हु शैल हेड द नेशनल स्टीयरिंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द निपुण भारत मिशन. निपुण भारत मिशन के कार्यान्वयन के लिए गठित राष्ट्रीय संचालन समिति का नेतृत्व कौन करेगा. हमारे ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, मनसुख मंडाविया, रमेश पोखरियाल, अनुराग ठाकुर. तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, धर्मेंद्र प्रधान. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने निपुण भारत मिशन के कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान NSC के अध्यक्ष और शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी उपाध्यक्ष होंगी. चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन. द सी फेज ऑफ द एक्सरसाइज कोंकण शक्ति 2021 हैज बीन ऑर्गेनाइज एट विच प्लेस. अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 की समुद्री चरण किस स्थान पर आयोजित किया गया है. हमारे ऑप्शन है बे ऑफ बंगाल, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अरेबियन सी. तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अरेबियन सी. जो 24 से 27 अक्टूबर 2021 तक अरब सागर में कोंकण तट से पहले त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 के समुद्री चरण का संचालन कर रहे हैं. अगला क्वेश्चन देखते हैं. The United Nations observed the World Day for Audiovisual Heritage on which of these days? संयुक्त राष्ट्र विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है. हमारे ऑप्शन है 25 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 24 अक्टूबर. तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 27 अक्टूबर. श्रव्य दृश्य विरासत के लिए विश्व दिवस हर साल 27 अक्टूबर को आयोजित किया जाता है. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. एवरी ईयर द वीक फ्रॉम अक्टूबर 24 to 30 इज मार्क्ड एज व्हाट. हर साल 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक का सप्ताह क्या होता है. हमारे ऑप्शन है वीक ऑफ डीफ पीपल, स्पेस वीक, इन्वेस्टर वीक, डिसआर्ममेंट वीक. तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, डिसआर्ममेंट वीक. निरस्त्रीकरण सप्ताह हर साल 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की वर्षगांठ पर शुरू होता है और 30 अक्टूबर तक जारी रहता है. अगला क्वेश्चन है विच बैंक हैज लॉन्च्ड द QR कोड साउंड बॉक्स टू प्रोवाइड इंस्टेंट वाइज बेस्ड पेमेंट अलर्ट टू मर्चेंट पार्टनर्स. मर्चेंट पार्टनर्स को तत्काल वॉइस आधारित भुगतान अलर्ट प्रदान करने के लिए किस बैंक ने QR कोड साउंड बॉक्स लॉन्च किया है. तो हमारे ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, इंडस बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्वाटा स्मॉल फाइनेंस बैंक. तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक. AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मर्चेंट पार्टनर्स को तत्काल वॉइस आधारित भुगतान अलर्ट प्रदान करने के लिए एक QR कोड साउंड बॉक्स लॉन्च करने की घोषणा की है. यह एक बैंक द्वारा लॉन्च किया गया अपनी तरह का पहला उत्पाद है. QR कोड साउंड बॉक्स एक छोटा और पोर्टेबल स्पीकर है जिसमें वॉइस नोटिफिकेशन देने के लिए डेटा कनेक्टिविटी के लिए एक समर्पित सिम स्लॉट है. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. द एक्सरसाइज कोंकण शक्ति 2021 इज अ मेडन ट्राई सर्विस एक्सरसाइज ऑफ इंडियन आर्म फोर्स विद विच कंट्री. अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 किस देश के साथ भारतीय सशस्त्र बलों की पहली त्रिसेव अभ्यास है. हमारे ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, श्रीलंका. तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, यूनाइटेड किंगडम. भारत और यूनाइटेड किंगडम UK के सशस्त्र बल 24 से 27 अक्टूबर 2021 तक अरब सागर में कोंकण तट से पहले त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 के समुद्री चरण का कार्य कर रहे हैं. अगला क्वेश्चन देखते हैं. द फर्स्ट एवर स्टेट गवर्नमेंट ओन वाइल्ड लाइफ DNA एनालिसिस लेबोरेटरी हैज बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी. पहली बार राज्य सरकार के स्वामित्व वाले वन्य जीव DNA विश्लेषण प्रयोगशाला किस शहर में शुरू की गई है. तो हमारे ऑप्शन है गुवाहाटी, हैदराबाद, नागपुर, दिल्ली. तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, नागपुर.
भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्य जीव डीएनए विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन महाराष्ट्र के नागपुर में क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू रिज्यूम मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, किस राज्य ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को फिर से शुरू करने का फैसला किया है? हमारे ऑप्शन है दिल्ली, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए दिल्ली। दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए जो कोविड-19 महामारी के कारण रुकी हुई थी फिर से शुरू की जाएगी। 27 अक्टूबर 2021 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा की। अयोध्या को दिल्ली सरकार की मुफ्त तीर्थ यात्रा में जोड़ा गया है। चलिए देखते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे को, जो है हु इज द ओनर ऑफ द न्यू अहमदाबाद IPL टीम, अहमदाबाद की नई IPL टीम का मालिक कौन है? हमारे ऑप्शन है RPSG, अरानी ग्रुप, CVC कैपिटल पार्टनर्स, ग्लेजर्स। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर सही दिया, वेल डन, कीप डूइंग, ऐसे ही आंसर देते रहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें। थैंक यू।